हार्दिक स्वागत है। आइए जब मैच की पहली गेंद इस मैदान पर गिरेगी आवाज है हमारे तुकाराम मसाई जी के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद जहीर भाई। तो दोन्ही संघ आपण बघतोय मोफास आणि टार्गेट इलेव्हन, प्रथम फलंदाजी करतोय मोफास इलेव्हनचा संघ, त्याच्या समोर आहे टार्गेट इलेव्हन। काय टार्गेट सेट करणार, टार्गेट समोर काय टार्गेट सेट करणार मोफास इलेव्हन, हे बघणं फार उत्सुकतेचं ठरणार आहे। तर जाऊया आपण सामन्याकडे। सलामीची जोडी मुदस्सिर आणि आसिफी सलामीची जोडी, तर पहिले षटक हाताळण्यासाठी सिद्धेश सज्ज होतोय। तीन षटकांचा सामना, तीन षटकांमध्ये आपण बघतोय धावसंख्या इन साइड आउट कवर च्या डोक्यावर खेळतोय चेंडू, जातो सीमारेषेच्या जवळ, पाठलाग होतोय दोन क्षेत्ररक्षकाचा, चेंडू अडवण्यामध्ये यशस्वी होतोय सीमारेषेच्या जवळ क्षेत्ररक्षक होते। तीन धावा पहिल्या चेंडूवरती पूर्ण करतोय मुदस्सिर, पहिल्या चेंडूवरती सुरेख फटका कवरच्या डोक्यावर खेळले आउट साइड ऑफ स्टंप, ज्या पद्धतीने सुरुवात करून देतोय मुदस्सिर। जहीर भाई आमच्या जोडीने पहिला सामना 40 धावांचा, त्याच्यानंतर 30 धावांचा, सेन्सेक्स खाली येतोय की काय, म्हणजे असाही तो नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आहे ना तो घसरलेलाच आहे, म्हणजे 60,000 गाठलेला होता तो 56-55 हजारावरती आलेला आहे। धावसंख्येचा सेन्सेक्स सुद्धा प्रत्येक सामन्या खाली येतोय की काय असं दिसते। जय भाई सही का तुम्हारा जी वाकई में यहाँ पर अगली गेंद खेलने के तैयार आसिफ, राइट ऑफ से गेंदबाजी होती थी ऑप्शन के बहुत ही बार अंपायर के हाथ खुलते हुए व्हाइट का इशारा था, वहा प्रकाश सर जी के यहाँ पर अंपायर में चेंजिंग होती हुई नजर आई और व्हाइट के साथ रन संख्या में बढ़ती रन संख्या जा पहुंची हुई। चार रनों पर बिना कोई नुकसान के मुफासिल वसई फाटा यह संघर्ष अपन पाते हुए अकेला जवाब मुकाबला, बिग फाइट बिग लड़त आपको देखने को मिलेंगे। और तुकान सर जी ने कहा कि पहले मुकाबले में 40 रन बने, दूसरे मुकाबले में 30 रन बने, तीसरे मुकाबले में 18 रन बने और अब चौथे मुकाबले में क्या इस मैदान पर कितने योगदान दे पाएगी मुफासिल टीम टारगेट 11 की टीम के सामने। अगली गेंद आसिफ के लिए आती हुई ऑस्टम आकर खेलना चाहते थे, गेंद विकेट के ऊपर से मल्लाती हुई डॉट गेंद, गेंदबाजों ने अपने सर पे हाथ रखा कि गेंद विकेट पर जाकर लगनी चाहिए थी, मगर गेंद थोड़ी सी उछला ली और गेंद सीधे विकेट के ऊपर ऊपर से मल्लाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद देखने को मिलती हुई, एक गेंद व्हाइट एक गेंद डॉट देखने को मिलती हुई, रन संख्या अपनी जगह पर रुकी हुई। चार रनों पर पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ तमाम देर से आए दर्शकों के लिए चौथा मुकाबला आज के दिन का। फिर टॉस गेंद ड्राइव खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आते हुए खिलाड़ी वहां पर तैनात है जब तक गेंद को फील कर पाते, एक रन आसानी से पूरा था दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, एक रन के साथ आसिफ ने अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 5 रन पर, खुद पहुंचे 1 रन पर। पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ एक अच्छा मुकाबला आपको देखने मिलेगा तुकान सर जी। पहला ओवर चल रहा है, पहली गेंद पर बात की जाए तो 3 रन आए थे बेहतरीन अंदाज में मुफास के बल्लेबाज, 3 रनों के साथ अपना खाता खोला था, उसके बाद व्हाइट गेंद देखने को मिली और 1 रन के साथ आसिफ, क्या कहेंगे तुकान सर जी। अपन बघतो धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली थी 4 वरती, पाच वरती ऑन साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आदळतोय येण्यावरती चेंडू, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय, एका धावावरती पुढे पुढे धावसंख्या समोर सरकली जाते। श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स क्लब कोपरी हा संघ सुद्धा इथे उपस्थित झालेला आहे, नक्कीच कोपरी संघ आपल्या या मैदानावरती नारंगी ग्रामस्थ क्रीडामंडळाच्या मैदानावरती आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। तर जाऊया पुन्हा एकदा सामन्याकडे, मोफासचा संघ खेळतोय समोर टार्गेट आहे, टार्गेट इलेव्हनचा संघ, चार चेंडूचा खेळ झालाय, पाचवा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बिरकावून चेंडू उंचावे क्षेत्ररक्षक मिड विकेट क्षेत्रातला क्षेत्ररक्षक, चेंडू खाली कुठली चूक होत नाहीये, मिस्टेक होत नाहीये, आरामात झेल टिपतो, आसिफला परतावा लागणार आहे, पहिला धक्का पहिला गडीबाद होतोय आणि पहिले यश लाभते टार्गेट इलेव्हन संघाला। धावसंख्या असताना ती मात्र आपण बघतोय 6 वरती। चलिए यहाँ पर आसिफ का विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट का पतन होता हुआ मुफास इलेवन वसई फाटा या संगत आप पाते और यहाँ पर 6 रनों पर पहला विकेट गिरा है और बड़ी बड़ी टीमें आज दूर से भी टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई है, बाबा इलेवन बांद्रा की टीम है, उनको भी हमारा सलाम रहेगा आदाब रहेगा, तमाम टीमों का हमारा सलाम आदाब है, स्वागत हम तमाम संघर्ष हम करते। मुदस्सिर के लिए अगली गेंद आती हुई ऑन साइड पर खेला, इसका एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है और गेंद को लपकने की कोशिश की मगर गेंद उनके आगे गिरती हुई, दो रन निकालने का मौका देना बल्लेबाज, रनों का मौका हो सकता है और मुदस्सिर का भी विकेट रन आउट के रूप में गिरता हुआ लगातार बैक टू बैक दूसरा विकेट, कम ऑन डीजे।
ठीक है धन्यवाद। चलिए फराद ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए मुराद और फराद ऐसी जोड़ी देखने को मिलेंगे। सलामी के दोनों बल्लेबाज डगआउट में जाते हुए नजर आए। रन संख्या है 7, 2 विकेट के नुकसान पर मुफासिल वसीफ अडैया टीम की आपको देखने को मिलती हुई। एक अच्छा मुकाबला जो भी टीमें इस मैदान पर उपस्थित हो चुकी है, तमाम टीमों से विनती रहेगी कमेटी से रब्ता कायम कर ले। कल के दिन की बात की जाए तो पालघर शिरगांव में भी मुस्लिम टूर्नामेंट 2 दिन आपको देखने को मिलेगा, 22 और 23, उसके बाद 2 दिन आपको देखने को मिल जाएंगे एक गांव संघ की तमाम टीमें। ऐसा टूर्नामेंट की आगाज होने जा रहा है पालघर शिरगांव के मैदान पर। 25वां साल उस टूर्नामेंट का आपको देखने को मिल जाएगा। एक लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश किया गया इस मैदान पर। दूसरा ओवर लेकर रवि आते हुए स्ट्राइक पर मुराद देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छे बल्लेबाज वसीफ आला के लिए टीम के लिए खेली गई थी, उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की थी मुराद ने अपनी टीम के लिए, मगर आज इस मैदान पर कौन से अंदाज में बल्लेबाजी होगी। फिर टॉस गेंद भी खेलना चाहते थे मगर गेंद निरीक्षण के बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जा पहुंचती हुई 8 रनों पर। तो कुमार सर जी क्या कहेंगे, पहली ओवर में 2 विकेट यहां पर रनआउट के रूप में, 1 और 1 कैच के रूप में गिरा, आसिफ कैच के रूप में आउट हुए और उसके बाद मुफास के बल्लेबाज रनआउट के रूप में, आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, पहले षटका मध्य अपन बगतो था दोन फलंदाजी, तीसरा गड़ी बात लेग बिफोर चा विकेट, कोलवर टप्प्याचा चेंडू, ब्लॉक ऑल डिरेवली सर पायावरती आदळतोय आणि इथे मात्र मुराद यांना परतावा लागणार आहे। तिसरं गडी इथे गमावतोय आपण बघतोय, धाव संख्या असताना 8 वरती। विकेट भी गिरा है तुकाराम सरजी, मुराद बेहतरीन बल्लेबाज थे, वो बड़ा विकेट मरी मछली जाल में आई है, मगर आप वसीफ आला मौजे मुफासिल टीम को एक साझेदारी जमानी होगी इस मैदान पर, एक अच्छा बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि अभी भी उनके पास बात की जाए तो 11 गेंदों का खेल आना बाकी है। रन संख्या की बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर मुफासिल वसई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 8 रनों पर। आप क्या कहना चाहेंगे, नए बल्लेबाज शोएब आए हैं, एक अच्छा बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज उनको इस मैदान पर अपना खेल दिखाना होगा, एक साझेदारी जमानी होगी 8 रन होते हुए। चलिए जो जो टीमें इस मैदान पर पहुंची, हमारे कमेटी से रब्ता कायम करे, सत्यनारायण कोपरी की टीम यहां पर उपस्थित हुई है, उनका भी दिल के ग्रह से इस्तकबाल रहेगा। बाबा इलेवन टीम बांदा परिषद से उपस्थित हुई है विराट की नगरी में, उनका भी दिल के ग्रह से इस्तकबाल और स्वागत रहेगा, सभी को एक सलाम रहेगा। एक लाजवाब टूर्नामेंट इस मैदान पर चलता हुआ, हर साल आपने देखा इस टूर्नामेंट को, मगर 2 साल थोड़ी से कोरोना से इस टूर्नामेंट को रद्द किया गया था, मगर अब वो खेल हर रोज हमारे सामने आता हुआ, जैसे तुकाराम सर जी और प्रशांत सर जी ने कहा कि क्रिकेट का महोत्सव मेला इस मैदान पर शुरू होता हुआ। तुकाराम सर जी, हाँ, क्रिकेट का महोत्सव नेहमीच अपने मैदान वरती अनुभवलेला आहे। ऑन साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न, पहिला चेंडू ड्रॅग करून खेळण्याचा प्रयत्न निर्धावच्या अनुभवतोय। यानंतरचा सामना होईल विराट व्हिक्टरीज वर्सेस साई सिद्धी, या दोन संघादरम्यान आपण बघणार आहोत। 9 चेंडूचा इशारा होतोय आणि 9 चेंडू का आलेला आहे, कारण एका बाजूला बघितलं ऑन साइड ला जवळपास 6 क्षेत्ररक्षक होते, 5-4 ची रचना आपल्याला असायला हवी पण 5-4 ची रचना होत नाहीये। इथे ऑन साइड ला 6 क्षेत्ररक्षक आणि त्याचा परिणाम बघतोय दोन्ही पंच तिथे निदर्शनास आणून देतात। 9 चेंडूचा इशारा सुद्धा येतोय, धाव संख्या जाऊन पोहोचलेली असताना ते आपण बघतोय 9 वरती। पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा 2 गडी बाद गमावले होते, तिसऱ्या षटकातील पहिल्या स्वेत चेंडू त्याच्यानंतर गडी गमावतो मुरादच्या रूपाने, तो तिसरा गडी गमावलेला होता तो मुफास वसईपाडा। 1-2 वर्ष अगोदर या संघाने सुद्धा अप्रतिम कामगिरी केली होती, मुफास वसईपाडा या संघाने याच मैदानावरती एक जबरदस्त अफलातून कामगिरी केली होती। सलमान असतील, सतीश असतील, आसिफ मुराद असतील, एक बॅलन्स टीम काय असते ते वसईपाडाने दाखवून दिली होती। याही स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय ज्यावेळेला संघ इथे उपस्थित होतोय दाखल होतोय त्यावेळेला त्याच अपेक्षेने आले असेल। दुसऱ्या बाजूला टार्गेट इलेव्हनचा संघ आहे, सुरुवात थोडीशी लडकळीत होते, सुरुवात थोडीशी डळमळीत होते, स्टार्ट थोडासा तितका चांगला होत नाहीये, परंतु गेल्या 2 सामन्यामध्ये हे चित्र बघितलेलं आहे, स्टार्ट चांगला होत नाहीये तरी धावा उभारल्या गेल्यानंतर सामना चुरशीचा होतोय, हाही सामना त्या दिशेने जाईल का। आणि जर भाई एक मनामध्ये माझ्या परत पुन्हा पुन्हा येतोय, ज्यावेळेला डावखुरा फलंदाज ज्यावेळेला येतोय त्यावेळेला सकाळच्या 17 जी हवेची दिशा असते, हवेचा वेग असतो किंवा जे वातावरण असतं त्याचा फायदा उचलण्यासाठी या डावखुरा फलंदाजाला आपण बघतोय। जर भाई शुरू केली आपली गेंद इस मैदान पर रवी द्वारा, शुरू केली तयार
कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद, हवा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, कैच बनेगा मगर देखना होगा कितने रन यहां पर जोड़े जाएंगे। दो रन आसानी से पूरे किए जाएंगे। ये फ्री हिट की गेंद थी, यहां पर दो बॉल पर इससे पहले कोशिश किया गया था। इस दो रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या डबल फिगर पर जाते हुए 10 रन पर लाजवाब कैच जरूर लिया था उससे मगर इनको पता नहीं था कि नो बॉल से पहले दी गई थी और फ्री हिट पर कैच आउट नहीं, सिर्फ रन आउट का विकेट आपको दिया जाएगा। एक लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश करना होगा शोएब को। एक जीतानी मिला है अगली गेंद के लिए तैयार रवि की। फिर कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं करता। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर दी, बैकअप होता हुआ रवि द्वारा अपनी टीम के लिए, ये बैकअप भी होना चाहिए। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर चलते हुए देर से आ रहे तमाम दर्शक, तमाम हमारे कमेटी मेंबरान और तमाम हमारे मेहमानों के लिए और तमाम टीम के सितारों के लिए आज बताया चलो चौथा मुकाबला इस मैदान पर खेला जाता हुआ टारगेट 11 वर्सेस मफास 11 वर्सेस फाडा। अगली गेंद चौक के लिए आते हुए रवि द्वारा शॉट गेटी पुल कर दिया, गेंद हवा में खिलाड़ी तैनात है, शॉट फाइनल पर बेटिंग कैच, विकेट गिरता हुआ चौथा मफास 11 टीम का चौक के रूप में आरक संगीत मैदान पर आता हुआ। कमाल सही कहा था सुखराम सर जी के दो साल के पहले इससे मैदान पर मुफासिलन टीम ने बहुत ही बेहतरीन खेल खेला था और उसमें गेंदबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाज सद्दाम गेंदबाजी पर बल्लेबाजी पर आते हुए इन्होंने क्या गेंदबाजी का नजारा पेश किया था इसके मैदान पर। मगर आज इस मैदान पर जलवा दिखाना होगा क्योंकि चार विकेट डगआउट में जाते हुए रन संख्या बनी है सिर्फ 11। आप क्या कहना चाहेंगे? अकरा जब चार घड़ी बात होता ना तेव्हा संघाची परिस्थिती थोडीशी नाजूक असते, थोडासा डोळारा थोडासा कोसळण्याच्या परिस्थितीमध्ये असतो, तिथे डोळारा सांभाळणं फार गरजेचं आहे। कॉलवर टप्प्याच्या लॉ फुल टच चेंडू ऑन साइडला खेळतोय चेंडू, फाईन लेग मधून क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे येतोय, एकच धावे चेंडूवरती पूर्ण केली जाते आणि ज्यावेळेला तीन षटकाचा सामना असतो जहीर भाई त्यावेळेला आणि पहिल्या आपल्या 8 ते 9 चेंडू मध्ये आपण चार गडी गमावतो ना मग तो आपला जो प्लॅन ए असतो तो डिस्टर्ब झालेला असतो। आपण ज्या डावपेचात पुन्हा पहिल्या सुरुवात केली असते तिथं बदलणं फार गरजेचं असतं। पुढचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक डाव्या बाजूला येतोय, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय, थ्रो थोडासा तितका सुरेख होत नाहीये, जर यष्ट्यांवरती नेम साधला असता तर थोडासा संधी होती इथे धाबाद करण्याची। दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि दोन षटकानंतर धावसंख्या आपण बघतोय, दोन षटकानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 13 वरती जाऊन पोहोचते। पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आणि या षटकामध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास 6 धावा इथे पूर्ण केल्या होत्या। दोन षटकांचा खेळ संपलाय, 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। यानंतरचा सामना विरार विक्टरीज वर्सेस साई सिद्धी या दोन संघादरम्यान खेळला जाणार आहे। नक्कीच दोन्ही संघांनी पूर्णपणे तयारीशी राहायचं आहे। यानंतर होणारा सामना साई सिद्धी आणि विरार विक्टरीज दोनों टीम के कप्तान से भी विनती रहेगी टॉस के लिए तैयारी में रहे, इसके इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। फिर विनिंग के बाद मॉन्स्टर का सदाम है, अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाजी पर गेंदबाज सत्यम है, इलेक्शन के बाहर गेंद थी, थोड़े से बाल बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज, गेंद विकेट के थोड़े से बाजू से निकलते हुए इलेक्शन के व्हाइट का इशारा आता हुआ, इलेक्शन के साथ रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या 114 14 रनों पर जाती हुई पहली गेंद व्हाइट के रूप में आती हुई। 6 गेंदों का खेल अभी भी इस मैदान पर आना बाकी रहेगा मगर क्या ये बल्लेबाज दूरदार बल्लेबाजी करेंगे, एक बड़ा शॉट आएगा मैच बनाने का मौका मिलेगा। 30 से 35 रन बनेंगे, आपके पास गेंदबाजी इतनी बेहतरीन है। अगली गेंद बेहतरीन हेलीकॉप्टर देखने को मिला, ऑन साइड पर गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाएगा ऑन साइड के खिलाड़ी के द्वारा मिड विकेट के क्षेत्र में से बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। 5 गेंदों का खेल बाकी है, रन संख्या जा पहुंचते हुए मफास 11 वर्सेस फाडा या संघा जब बात होती 15-4 के चरण फॉर्म 5 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। सद्दाम स्ट्राइक पर देखने को मिलते हुए अगली गेंद राइट से गेंदबाजी करने के तैयार गेंदबाज, सिग्नेचर डाउन होता हुआ और एक बड़ी मछली जाल में आती हुई और एक मधुर संगीत मैदान पर होता हुआ। कम ऑन डीजे विलास सभी के ऐसे नाम से परिचित है पूरे वसई फाडा। चलिए एक बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने भी वसई फाडा प्रीमियर लीग 2000
2019 या 2020 की बात करें, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा भी पेश किया था, मगर आज इस मैदान पर अपनी टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, तो फ्रंट फुट पर लाने के लिए बल्लेबाजी करनी होगी। तो कौन सर जी क्या कहेंगे, चार गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी रहेगा? हाँ, जर अपन बगितले तर थांबलेले आहे ती 15 वरती, अजून किमान 8-10 धावा जमा करणं फार गरजेचं आहे एक फायटिंग स्कोर उभा करण्यासाठी। क्लीन बॉल डावी एसटी उद्ध्वस्त, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, लेग स्टंप वरती चेंडू डायरेक्ट जाऊन आदळतोय, बॅक टू बॅक विकेट पडतोय, विकेट पडण्याचा क्रम मात्र वाढला जातोय या षटकातील। 15 वरती 6वा गडी बाद होतोय मफास वसईपाडा संघाचा। पर आते हुए क्या कहेंगे तुकान सर जी, क्या गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ यहां पर, जो बल्लेबाजों को रोककर बल्लेबाजी करनी थी, मुराद आउट होने के बाद यहां पर सीधी लाइन लगती हुई नजर आई है। अगली गेंद शुभम ने बल्लेबाज नुकसान पर इस मैदान पर देखने को मिलती हुई। क्या आने वाली ये दो गेंदे बल्लेबाज इस गेंद को सीमा रेखा दिखा पाएंगे, गेंदबाज विकेट लेने में सफलता हासिल करेंगे, मगर आप 17 रन बने हैं, क्या कहेंगे दुकान सर जी? हाँ, 17 धावा के लिए क्रमांक 5 आणि क्रमांक 8 चा फलंदाज या मैदान वरती है। बऱ्याच वेळेला असं सवय नसते 8व्या क्रमांकाच्या फलंदाजाला फलंदाजी करण्याची, पण संघाची परिस्थिती ओळखून फलंदाजी करायला हवी। या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू थोडासा खाली राहतोय, लेग बाईज चा इशारा होतोय, एक धाव अजूनही खात्यामध्ये जमा होते लेग बॅच स्वरूपात, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 18-18 वरती। दोन चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, तो एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, शेवटचा वन लास्ट बॉल टू गो, एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, शेवटच्या चेंडूवरचा चौकार तर आत्मविश्वास देऊन जाईल, तर शेवटच्या चेंडूवरती गडी बाद करणं अजून पाच सामन्यावरती पकड घट्ट बसवेल। पायावरती चेंडू आदळतो पण इम्पॅक्ट बहुधा थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेर होतोय, उजव्याष्टीच्या बाहेर, त्याच कारणाचा पंच नाबाद ठरतात आणि लेग बायचा इशारा होतोय। एकावन्तर धाव, धावसंख्या 19-19, 20 धावांचा वन, 18 चेंडू मध्ये पार करायचं आहे, ते मात्र टार्गेट 11 संघापुढे टार्गेट 19 चा ठेवलेला आहे। दोन्ही संघ विरार विक्ट्रीज वर्सेस साई सिद्धी, पुन्हा एकदा आपल्यासाठी कॉल आहे, विरार विक्ट्रीज आणि साई सिद्धी हे दोन संघ पुन्हा एकदा आपल्यासाठी सूचना आहे, आपण यायचं आहे, एक ब्रेक घेऊया आणि परत एकदा या 20 धावांच्या पटलाकावरती सामन्यावरती परत येऊया। में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आप देखने जा रहे हैं 1:15 बज चुका है, लाजवाब मुकाबले चल रहे हैं, तमाम क्रिकेट प्रेमी का तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करते हुए। चलिए दोनों संघाजी कर्णधारांना कॉल केले गेले टॉस साठी, या अशी तुम्हाला विनंती करतो, यानंतर होणार सामना लाजवाब मुकाबले आपको देखने को मिल रहा है, तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत रहेगा। थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है, मगर देखना होगा मफास 11 टीम के पास गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है तुकान सर जी। अब इस मैदान पर बात की जाए तो 20 रनों का लक्ष्य पूरा करना है टारगेट 11 टीम के लिए, और टारगेट चेस करने के लिए टारगेट टीम क्या इस मैदान पर पूरा कर पाएगी? गेंदबाजी बहुत अच्छी है मफास 11 टीम के लिए, और तमाम खिलाड़ी तमाम दर्शक ये ध्यान में रखे 16 जनवरी से 2022 वसई फाटा पर मफास नाणेफेकी का कॉल होते दोन्ही संघामध्ये, दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा। अब हम पाहते जो भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब के लाइन से जुड़े हैं, काशिंद पाटील सर जी यांच्या हाथ से नाणेफेकी का कॉल होते, देखना होगा किसके सामने ये कॉल जाता है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी।
तीन तीन ओवर का ये मुकाबला आपके सामने है। 18 गेंदे 20 रनों की दरकार है। मुकाबले की तरफ चलते तमाम दर्शकों को लेकर, हमारे मेहमानों को लेकर, हमारे कमेटी मेंबरान को लेकर एक लाजवाब मुकाबला आप देख रहे हैं। पाटिल परिवार के जाने से नारंगी ग्राम संघ नारंगी के जाने से टूर्नामेंट का आगाज है। बेहतरीन इतिहासी मैदान है नारंगी का और एक लाजवाब मुकाबले आपको देखने को मिल जाएंगे। 28 और 29 तारीख को इसी मैदान पर एक टूर्नामेंट भी आप देखने जाएंगे। उसके बाद बड़े बड़े टूर्नामेंट जनवरी के महीने में क्रिकेट का महासंग्राम महोत्सव आपको देखने मिलेगा और फरवरी के महीने में इसी मैदान पर एनसीसी ट्रॉफी 2022 का महासंग्राम आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो मान जी क्या कहेंगे, 18 गेंदे 20 रनों की दरकार है, एक दो विकेट ये पहली ओवर में आएगी तो ये मैच का रूप आपको देखने मिलेगा। गेंदबाजी पर है सद्दाम, सद्दाम सजोतो ऑन साइड खेलने का प्रयत्न होता है, मिड विकेट ओवर शतरक्षक एक धाव। और आपने सही कहा, या सामन्यामध्ये मुफासिल 11 संघाला संधी तेव्हाच निर्माण होणार ज्यावेळेला आपण गडी बाद करणार, ते गडी रेग्युलर इंटरवल ना, म्हणजे जेव्हा ठराविक अंतरामध्ये गडी बाद होणार ना तेव्हा नवीन येणाऱ्या फलंदाजावरती दबाव वाढणार। तर टार्गेट 11 काय टार्गेट सेट करून आले असेल, पहिल्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीने विकेट न गमावता एक 6-7 धावा आपण पूर्ण करू शकलो तर आपल्या संघासाठी फायदेशीर ठरणार आहे। काय डावपेच असतील, काय रणनीती असतील आणि काय पद्धतीने गोलंदाजी हाताळेला सद्दाम सज्ज होतोय। कलवटा पिचर थोडासा पाठीमाग गेला, दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये जातोय। पहिल्यांदा वाटलं फ्रंट फुटला येतील, शेवटच्या क्षणी त्यांनी बघितलं चेंडूचा टप्पा थोडासा दूर आहे, पाठीमाग गेला थोडासा वेळ होता, चेंडूला फक्त स्टीअर केलं, चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये जातोय। एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय, दोन धावा आणि ज्यावेळेला छोटा धाव संख्येचा पाठलाग असतो ना त्यावेळेला हे चित्र बऱ्याच वेळेला आपल्याला बघायला मिळतं। सद्दाम पुढे होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग डाऊन चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक, चेंडूच्या खाली कुठलीच चूक होत नाहीये, आरामात झेल टिपतोय क्षेत्ररक्षक आणि पहिला गडी बाद होतोय। हे व्हायला हवं जर भाई, हे होणं चाहिए, जर ठराविक अंतरामध्ये विकेट जर बाद केला गेला तर दबाव वाढणार, प्रेशर वाढणार। डीजे की तरफ चलते, डीजे जवळ जाऊया, गीत घेऊया आणि परत या सामन्यामध्ये होऊया। आणि झेर भाई आपल्यापर्यंत येत असताना तीच चर्चा आपण करतोय की एक ठराविक अंतरामध्ये विकेट्स प्राप्त करणं फार गरजेचं असतं, म्हणजे आता कॉम्प्युटरचं युग आहे, आपण कॉम्प्युटर घ्या, लॅपटॉप घ्या, राईट क्लिकला आपले ऑप्शन येतात, 7-8 ऑप्शन येतात, लेफ्टला आपल्याला ते क्लिक करायचं असेल। इथे आपल्याजवळ जास्त ऑप्शन नाही आहेत, आपल्याला फक्त विकेट्स प्राप्त करणं हा ऑप्शन आहे। तर दुसऱ्या बाजूला टार्गेट 11 जैसे आप हमेशा कहते ना झेर भाई, दिमाग की बत्ती को जलाए रखना होगा। झेर भाई सही कहा सुकांत जी, शॉर्ट गिनती आंसर खेलना चाहता है, बैट का लेकर गिर विकेट पर मना दी, दूसरा विकेट का पतन होता हुआ, ये होना चाहिए, कम ऑन डीजे। के इसी मैदान पर आपने कहा था कि 2 साल के पहले ये दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन, बात की जाए तो यहाँ पर मुफासिल 11 टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वही गेंदबाज इस मैदान पर अपना खेल और अपनी गेंदबाजी का नजारा पेश करता हुआ। अरे हा फरक असतो म्हणजे झहीर भाई, ज्यावेळेला एखाद्या मैदानावरती खेळण्याचा आपल्या जवळ अनुभव असतो ना तेव्हा 19-20 धावा सुद्धा डोंगरा एवढ्या वाटू शकतात, अशी आपली परफॉर्मन्स लेवल वाढू शकतो। आणि जो अनुभव या मैदानावरती खेळण्याचा मुफास जवळ आहे, कदाचित तो मुफास आपला अनुभव इथे दर्शवून देतोय। सद्दाम सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, यष्टन वरन चेंडू निघून जातोय, एक वेगवान चेंडू निघून जातो सद्दाम, ज्या पद्धतीने स्टार्ट, ज्या पद्धतीने सुरुवात, ज्या पद्धतीने लय सापडायला होती गोलंदाजी ती सापडून देतोय सद्दाम या पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडूच्या खेळ शिल्लक असताना। शेवटचा चेंडू शिल्लक खोलवटा पाहिजे, चेंडू बॅटच्या खालच्या टोकाला लागतो, चेंडू स्क्वेअर लेगला जातोय, फायनलचा क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे येतोय, एकदा पूर्ण ओ हो इथे चेंडू कलेक्ट करण्यामध्ये थोडस कमी पडतोय, दोन धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 4, 2 गडी बाद 4 धावा, टार्गेट 11 संघ, आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूमध्ये आपण बघणार जवळपास 16 धावांची गरज। डीजे कडे जाऊया आणि परत या सामन्यामध्ये होऊया, झेर भाईच्या जोडीने जोडले जाणार आहे।
मुफासिल के जानी से दूसरा ओवर लेकर विकास तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए 12 गेंदे 16 रनों की दरकार है। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए, मगर इस ओवर में क्या बल्लेबाज अपने गियर को खोलेंगे, और गियर भी खोलना चाहिए, 16 रन चाहिए 12 गेंदों पर, क्या मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद बड़े बड़े मुकाबले हमें को देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े सितारे आज देखने को मिल जाएंगे, मगर यहाँ पर विलास के अपने टीम के लिए वो गेंदबाजी का नजारा पेश किए जाएंगे। बल्लेबाज जॉर्डन स्ट्राइक पर है, अगली गेंद खेलने तैयार, शॉर्ट गेंद थी ऑस्टन पर आकर फाइन लेग खेलना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई समय नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाती हुई मुराद के हाथों में जाकर छुपती हुई, डॉट गेंद 11 गेंदे 16 रनों की दरकार है, एक दो गेंदे और डॉट आएगी विकेट आएगा तो प्रेशर बल्लेबाजों पर जाएगा, मगर एक बड़ा शॉट आएगा तो गेंदबाजों पर प्रेशर रहेगा। तो कौन सा जी क्या कहना चाहेंगे? दबाव तो होना, दोनों बाजू ने दबाव होना, जस जस ये समीकरण जवळ जाता ना, म्हणजे जसं क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हणतो नेल बॅटिंग फिनिश येणार ना, नखक उतरणारा सामना, तसं दबाव येणार, प्रेशर येणार फलंदाज आणि गोलंदाजावरती। शेवटच्या क्षणी चेंडूला दिशा देण्याची गरज होती, पण त्याच्यामध्ये चुकता सुर एक गोलंदाजी विलास, पहिला षटक ज्या पद्धतीने सद्दामेने हाताळले ना, जसं हमेशा कहते ना दुसरा ओव्हर रीड की हड्डी होती, दुसरं षटक हे मुख्य गाभा असतो, ते हाताळण्याची संधी दिलेली आहे ती विलास यांना, पहिले दोन चेंडूत मात्र आतापर्यंत सुरेख हाताळतोय। चेंडू हवेत खेळतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतो, जेल टिपतोय, अप्रतिम जेल, डाव्या बाजूला धावत जाऊन शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती नजर ठेवून एक चांगला जेल टिपतोय क्षेत्ररक्षक, आणि धावसंख्या थांबलेले असताना चार वरती तिसरा गडी गमावतोय टार्गेट इलेव्हनचा संघ। मोठ नव्हतं पण ज्या रणनीतीत जातोय ना, ज्या डावपेचात जातोय ना, पहिले दोन चेंडू वाटलं होतं की थोडस वेगळ्या डावपेचात जाईल, तिसऱ्या चेंडूवरती स्लॉग खेळला गेला, चौथ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा बॅकफूटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, थोडासा गोंधळ उडतोय, थोडासा ज्याला म्हणताय की मनामध्ये भरपूर विचार चाललेले असताना थोडासा गोंधळ होतोय की काय फलंदाजचा। झहीर भाई विलास की गेंद कट करना चाहते थे, बैटर गेंद का कोई संबंध नहीं, लगातार चार गेंदे डॉट होते हुए क्या गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ विलास द्वारा। यही तो हमारे दर्शकों को चाहिए, क्या मुकाबला हार जीत का फैसला एक टीम के लिए लगा रहेगा, मगर मुकाबले में हार जीत लगी रहेगी, मगर हमारे प्रेक्षकों को जैसा मुकाबला चाहिए वैसा मुकाबला हमारे सामने होता हुआ। 8 गेंदे 16 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए, टारगेट इलेवन संगाला, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गई, जगह बनाई विलास को, उस गेंद पर चाहते हुए एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, मगर एक ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। अब गेंद आने बाकी है मैदान पर, 7 रन आने बाकी है मैदान पर 15, क्या ये सुकान सर जी क्या कहना चाहेंगे कि वहां पर सद्दाम की दो गेंद पे बेहतरीन अंदाज में एक विकेट मिला, उसके बाद एक विकेट मिला, और अब विलास ने आकर लगातार दूसरी गेंद डॉट, दो गेंद डॉट की, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथा गेंद डॉट और पांचवी गेंद पर सिंगल आया है, अब 7 गेंदे है 15 रन की दरकार है। 7 चेंडू का खेल शील है, 15 धावन की गरज, और जेर भाई हमेशा जैसे कहते हैं ना कि बैटिंग की एक जोड़ी रहती है, फलंदाजी जोड़ी असते ना तसी मोफाज जवल गोलंदाजी जोड़ी है, एक पेयर है, कारनामे जोड़ियों में होते हैं, तशी जोड़ी सद्दाम विलासी जोड़ी कमाल धमाल करता है। मोटा फटका चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, इस बार गलती कर बैगडे, या चेंडू वरती मात्र चूक होते, अगोदर एक चांगले दोन झेल टिपले होते या क्षेत्ररक्षकाने, या चेंडू वरती मात्र शेवटच्या क्षणी, म्हणजे एक ऑस्ट्रेलियन पद्धती असते एक झेल टिपण्याची, एक भारतीय पद्धत, शेवटच्या क्षणी चेंडूच्या जवळ गेले, परंतु शेवटच्या क्षणी ऑस्ट्रेलियन पद्धतीने झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला। दोन षटकांचा खेळ संपलाय, दोन षटकामध्ये धावसंख्या 7, 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 13 धावांची अजूनही गरज आहे, सामना रंगणार आहे, जुंजणार आहे, अजून रंगत आणण्यासाठी डीजे कडे जाऊया आणि परत येऊया या सामन्यापर्यंत। तुकार सर जी ये क्या छूटा है, ये प्रेशर था, मगर दो कैच बेहतरीन अंदाज में लिए थे, और आपने सही कहा ऑस्ट्रेलिया स्टाइल में ये कैश लेने गए और ये कैच उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आया, मगर ये कैच छूटा है, मैच नहीं छूटना चाहिए। आने वाली 6 गेंदे है 13 रनों की दरकार है, दो ही संगल हार्दिक छुपे थे, दोनों टीमों को हार्दिक बताया, गेंदबाजी पर गेंदबाज आ रहे हैं शोएब, कप्तान ने उन पर भरोसा रखा है, क्या उनके ऊपर खड़े उतरेंगे बल्लेबाज, खड़े उतरेंगे, कौन यहाँ पर हीरो बनकर निकलेगा, वो तो आने वाला समय तय करेगा। इनारा 7 चेंडू 13 धावा, दो ही संगल हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बताया रहेगी, लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ।
यहाँ पर शोएब के हाथ में गेंदबाजी दी है कप्तान ने, कप्तान में भरोसा जता है मगर कप्तान पे खड़े उतरेंगे या फिर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खड़े उतरेंगे ये आने वाला समय तय करेगा। शोएब की अगली गेंद तीसरे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर बल्लेबाज के लिए आती हुई, गेंद आउटसाइड खेलना चाहते थे, लक्ष्य के बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ, अभी भी 6 गेंदे 12 रनों की दरकार है, हर गेंद पर 2 रन बनाने हैं, एक बड़ा शॉट इस मैच का रूप बदलेगा मगर एक दो दिन डॉट गेंद आएगी तो मैच है यहाँ पर मुफ़ास्सिल के पक्ष में जाएगा। टारगेट इलेवन चाहती है कि एक बड़ा शॉट या सिंगल डबल में हम इस मैच को लेकर जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो जॉर्डन स्ट्राइक ला है टारगेट इलेवन साठी, जॉर्डन वरती नजर आहेत, मोठा फटका खेळण्याचा का प्रयत्न चंडू अवेताय क्षेत्ररक्षक दत्तोय पाटलाक करतोय दुसऱ्यांदा, क्षेत्ररक्षक चुकतोय की काय, दोन चांगले झेल टिपले, दोन चांगले झेल ड्रॉप केलेले आहेत। बघा हीच क्रिकेट असंच असतं, ज्यावेळेला आपण चांगली कामगिरी करतो ना त्यावेळेला चेंडू आपला पाठलाग करतो, ज्यावेळेला आपली कामगिरी थोडीशी खराब होते त्याही वेळेला चेंडू आपला पाठलाग करतो, हा बॉल आपल्या चेस करतोय की काय अशा पद्धतीने। 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 11 धावांची अजूनही 10 धावांची अजूनही गरज आहे, 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 10 धावांची गरज, चेंडू पडतोय शोएब जॉर्डन वरच्या टोकाला लागतोय, चेंडू फाईन लागतोय, क्षेत्ररक्षक चुकतोय इथे, मदसीर याने चकून चेंडू जातोय, जोपर्यंत कव्हर करतील षटकडम्याचे क्षेत्ररक्षक, 2 धावा, 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 8 धावा, 4 × 2 = 8 और आपने सही कहा हर गेंद में 2 रनों की जरूरत है। जेर भाई सही कहा, तुम्हारा जी वहां पर बल्लेबाज वही कर रहे हैं, बैट पर गेंद ले रहे हैं और बैट पर गेंद बराबर नहीं आ रही है, एज लगकर फ्रेडमैन फाइन लेग क्षेत्र में जा रही है, लॉन्ग ऑन पर आई कैच ड्रॉप हो रहे हैं, ये कैच विन द मैचेस और देखना होगा कि आने वाली अब 4 गेंदे 8 रन, क्या शोएब यहां पर इस गेंद पर डॉट निकालेंगे, विकेट निकालेंगे, बल्लेबाज गेंद को सीमा रेखा दिखा पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। 11 चेंडू 8 धावा, दोनों संघ हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। टारगेट 11 और मुफ़ास्सिल वसई फाटा के बीच चलता हुआ यह मुकाबला, चौथा मुकाबला, और बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, अष्टम से गेंद गिरती हुई जब तक थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, लाजवाब कलेक्ट करते हुए मुराद उस गेंद को, 3 गेंदे 8 रनों की दरकार है। तो सर जी आप बल्लेबाज तौर से प्रेशर में आते हुए कि 3 गेंदे 8 रनों की दरकार, एक बड़ा शॉट आना चाहिए इस मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 8 धावांची गरज आहे, सहकारी कैसे कानमंत्र देताना आपण बघतोय नॉन स्ट्राइक गेमचे फलंदाज सिद्धेश, आपल्या सहकार्यांना थोडासा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न होतोय, 3 चेंडू 8 धावांची गरज, पाठीमागे गेला कट करण्याचा प्रयत्न, इतकी संधी नव्हती, जागा नव्हती, स्ट्राइक रोटेट करताना मात्र इथे गडी गमावतोय, परतावं लागतंय इथे जॉर्डन यांना, 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 8 धावांची गरज आहे, आणि मी प्रश्न जात 8 आहे तर गाठ आहे काय होणार आहे, 2 चेंडूवरती 8 धावांची गरज, सामना पहिल्या 2-3 चेंडूवरती वाटलं होतं थोडासा पुढे जाईल टार्गेट 11चा संघ, इथे मात्र कमी पडतोय, 2 चेंडू 8 धावांची गरज आहे, गीत घेऊया आणि परत सामन्यावरती येऊया। इससे हमारे दर्शकों को, हमारे कमेटी को, हमारे कमेंटेटर को भी मुकाबले चाहिए थे, हमको ट्यूज कैसा लाना चाहिए था, ये गेंदबाजों ने दिखाया, 2 चेंडू 8 धावा, दोनों संघ हार्दिक शुभेच्छा। शोएब की अगली गेंद, यहां पर सिद्धार्थ बल्लेबाजी कर रहे हैं मगर यहां पर भरोसा होना चाहिए, अगली गेंद और एक बड़ा शॉट खेलने गए, जमीनी छेद करते हुए गेंद स्कॉलर ऑफ साइड पर ट्रैवल होते हुए, ये कंपल्सरी चेस है, ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, कोई अतिथि हमें गेंद देखने को मिल जाएगी, कुछ चमत्कार हमें देखने को मिल जाएगा। तो कौन सर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या गेंदबाजी की यहाँ पर सद्दाम ने, उसके बाद विलास ने और उसके बाद आप शोएब गेंदबाजी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तीनों गोलंदाजावरती नजर टाकली तर पहिला सुरुवात स्टार्ट केली सद्दाम ने, विलास यांनी तो दबाव कायम ठेवला आणि शोएब शेवटच्या क्षणी अप्रतिम चेंडू आता है, और आपने जिक्र किया चमत्कार, चमत्कार बार बार नहीं होते लेकिन ऐसे नहीं कि होते नहीं, शेवटचा चेंडू शिल्लक, सूर्य गोलंदाजी म्हणून मी म्हटलं ना वसई फाटाचा संघ मुफ़ास्सिल संघ या मैदानावरती खेळण्याचा अनुभव आहे, 20 धावांचं छोटं आव्हान आहे पण त्याचे आव्हानही डोंगरा एवढं वाटावं अशा पद्धतीने तिन्ही गोलंदाजीने गोलंदाजी केलेली आहे, अभिनंदन मुफ़ास्सिल वसई फाटा संघ, तर टार्गेट 11 संघ आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला आपलं सुद्धा मनपूर्वक आभार, पुढच्या सामन्यावरती जाऊया, समोरच्या कक्षामध्ये सुद्धा बदल होणार आहे तर तोपर्यंत डीजेला संधी देऊया, पुढचा सामना होतोय विरार विक्टरीज वर्सेस साई सिद्धी या दोन संघादरम्यान।